हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक ऑफ माय वीडियो इज कैंडलस्टिक से लोग कैसे ट्रैप होते हैं। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे और कभी आपने देखे भी नहीं होंगे। ये वीडियो में जो जो बताऊंगा उसमें आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, ये तो मेरे साथ हो ही रहा है, ये तो मैं फालतू में देख रहा था, फालतू में इसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा था, इसके कारण मैंने बहुत सा लॉस कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैंडल स्टिक किसने बनाया, क्यों बनाया? बस खाली आप लोगों को इतना पता है कि ये कैंडल से मैं बाय करूंगा, ये कैंडल से मैं सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये लोग ट्रैप होते हैं, कैसे यूज़ करना चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको। एक और चीज़, लोग कैसे कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा कैंडल कब यूज़ करना है। अगर इंट्राडे करना है तो 5 मिनट का देखना है, 15 मिनट का देखना है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करना है तो कितने आवर का या कितने डेली वीकली का कैंडल यूज़ करना चाहिए, वो सब सोते सोते ट्रेडर्स का दिमाग का दही हो जाता है। फ़ायदा तो कुछ होता ही नहीं है। किसी कैंडल को ब्लाइंडली फॉलो करके कभी वो उसमें सक्सेस होते हैं, कभी फेल होते हैं, ओवरऑल फेल ही होते हैं, है ना दोस्तों? अगर हो रहा है तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ये वीडियो में मिल जाएगा, तो ये वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपकी सब क्वेरीज क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपका कैंडलस्टिक के प्रति नज़रिया है वो टोटली चेंज हो जाएगा। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली और ज़रूरी बात, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है और कैंडलस्टिक के जरिए ही होना है तो मैं जो बता रहा हूँ वो करो। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, डोंट बी ब्लाइंडली डिपेंडेंट ऑन कैंडलस्टिक। किसी भी कैंडल पे ब्लाइंडली डिपेंडेंट मत रहो और ट्रस्ट मत करो। चलिए मैं कैंडलस्टिक के 3-4 एग्जांपल देता हूँ जो आप फील कर रहे होंगे अभी। कैंडल की बात करें तो सबसे पहले लेते हैं मारुबोजू कैंडल, फुल ग्रीन, फुल फील्ड ग्रीन मारुबोजू कैंडल अगर बनती है तो लोग कहते हैं कि ये बुलिश रहता है। मैं मानता हूँ ये बुलिश रिएक्ट करता है, लेकिन 50% केस में ही करता है। मैंने कई बार देखा है कि ऐसा ग्रीन मारुबोजू कैंडल के बाद दूसरे दिन एक बड़ा सा रेड कैंडल, बेरिश कैंडल बना देता है। तो दोस्तों, इसमें कैंडल का यूज़ कहाँ पे आया? अगर कैंडलस्टिक वर्क करता तो ग्रीन मारुबोजो के बाद स्टॉक ऊपर ही जाना चाहिए और एवरीडे ग्रीन कैंडल ही बनाना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें कैंडलस्टिक का यूज़ कहाँ पे आया? फ्रेंड्स, आप लोग भी फील कर रहे होंगे कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि सब बुलिश होता है, ये कैंडल बनाता है तो दूसरे दिन बेरिश कैंडल बना देता है। अगर ये 50% केस में ही वर्क करता है तो इसको क्यों फॉलो करने का, इसके ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहने का? 40% तो आप तुक्का मारोगे तो भी वर्क करेगा। अगर दूसरे कैंडल्स की बात करें तो डोजी कैंडल के बाद ऐसा बोलते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल होता है। आपने देखा होगा कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और एक दिन डोजी बनाता है तो टेक्निकल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से अप ट्रेंड चालू होना चाहिए, लेकिन बाकी के 2-3 दिन और डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। तो इसमें डोजी कैंडल का यूज़ कहाँ पे आया मुझे बताओ। अगर तीसरी कैंडल की बात करें तो आप कभी देखते होंगे कि हैमर बना दिया, और कई बार लोग ऐसे ट्रैप होते हैं, मार्केट ऑपरेटर ऐसे ट्रैप करते हैं कि हैमर के साथ साथ तो वॉल्यूम सेलिंग भी आता है। रेड वाला वॉल्यूम के साथ रिवर्सल हैमर कैंडल बनाता है तो लोग समझते हैं कि इसमें बड़ा सा सेलिंग आ गया, लेकिन उसके दूसरे दिन ही बड़ा अपसाइड होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कैंडल्स के एग्जाम्पल जो वर्क नहीं करते हैं एंड लोगों को ट्रैप करते हैं। आज तक आप लोगों ने यही देखा होगा कि कैंडल स्टिक को कैसे यूज़ करें, बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत से एक्सपर्ट्स लोग इसके सेमिनार्स लेते हैं, कोर्स बेचते हैं, वो सब यही कहते हैं कि ये कैंडल देखो, ये यहाँ से ऐसा करता है तो ऐसे उसका यूज़ होता है। लेकिन आज तक आपको ये किसी ने नहीं बोला होगा कि कैंडल स्टिक लोगों को कैसे ट्रैप करता है और क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन हु इज़ शेयरिंग सच अ फैक्ट विथ यू। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि किसी भी इंडिकेटर्स पर ब्लाइंडली डिपेंडेंट मत रहिए, तो ये कैंडल स्टिक है वो भी एक इंडिकेटर ही है। 100% श्योर कि कैंडल स्टिक के कारण बहुत से लोग ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, और अगर आप नहीं जागे तो अभी आगे भी आप लॉस करते ही रहेंगे। कैंडल्स पे डिपेंडेंट रह के लोग जल्दबाजी में ट्रेड कर देते हैं, कई बार कैंडल को पूरा नहीं होने देते, कई बार कैंडल पूरा होने के बाद वो दूसरा कैंडल बहुत एकदम रिवर्स बना देता है। दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो मुझे हंसी आ रही है कि लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स लोग ऐसे हैं जिनके 4-4, 5-5 लाख फॉलोअर्स है। मैं उन लोगों के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है उनका वीडियोस देखने में, और बहुत से लोगों से सुना है कि वो कैंडल स्टिक के ऊपर ऐसा वीडियो बना के ट्रेड रिकमेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ एक्सपर्ट्स लोग कैसे स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं और रिकमेंड करते हैं वो मैं बताता हूँ। ऐसे एक्सपर्ट्स लोगों का स्ट्रेटेजी सीजन के जैसे बदलता रहता है। मैं किसी को क्रॉस करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे फिक्र है कि वो उन नॉर्मल या रिटेल ट्रेडर्स लोगों की कि वो इसमें फंसे नहीं, बिकॉज आई नोज द रियलिटी। मार्केट ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए कोई फिक्स स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी, लोग इनके लिए बहुत पैसा भी देते हैं। जो 4-5 दिन वर्क करती है, बाकी के दिनों में वो कमाया हुआ पैसा और घर का भी पैसा लेके जाता है। फ्रेंड्स, डोंट बी ट्रैप, बी केयरफुल इन सच अ कोर्सेस एंड सच अ स्ट्रेटेजी। अगर ये इतना इजी होता तो लोग लैपटॉप लेके ऑफिस में बैठे बैठे खुद पैसा डबल करते एवरीडे, आपको सिखाने में टाइम बर्बाद ना करते। सो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए स्टॉक मार्केट ने एक कुछ ऐसी चीज़ें बनाई है
कि जिससे कभी कभी ट्रेडर्स को पैसा मिले भी लेकिन ओवरऑल उनका बहुत सा पैसा चला जाए। सो ये ऐसा साइकोलॉजिकल गेम है कि इसमें इसको आपको गेम से बाहर भी नहीं करना है और आपको गेम में बना भी रखना है और आपके पास से पैसे भी लेना है। इसके कारण ये बाकी सब इंडिकेटर्स कैंडल स्टिक सब बने होते हैं, क्योंकि सिंपल चीज़ आप समझो कि जो स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करता है उसका दिमाग और वो चीज़ कैसे बनी होगी। क्या उनको नहीं पता होगा कि लोग ये कैंडल देख के ट्रेड करेंगे। इन ए नट शेल लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में से पैसा बनाने के लिए किसी भी फिक्स इंडिकेटर और किसी भी फिक्स स्ट्रेटेजी पे डिपेंडेंट मत रहिए। एक साथ चार पांच चीज़ें वर्क करती है तब जाके कोई ट्रेड प्रॉफिटेबल बनता है। ये वीडियो में मेरे को अब तक यही अवेयरनेस पहुंचाना था कि बस आप कैंडल स्टिक पे ब्लाइंडली डिपेंडेंट मत रहिए, वरना ओवरऑल आप लॉस ही करेंगे। बाकी ऐसे और अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूँगा जिससे रिटेल ट्रेडर्स का भला हो। मेरा एम है कि सब ट्रेडर्स अच्छा सा धीरे धीरे कमाने लगे और कोई भी लॉस ना करे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप मुझे लाइक एंड कमेंट में कुछ लिख के बता सकते हैं, एंड ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप मुझे पर्सनली भी कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली गाइड यू वेल। इसमें मेरा ट्विटर प्रोफाइल भी है, मैं ट्विटर पर प्रोफेशनली ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। ट्विटर पर मैं मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी के शॉर्ट टर्म में वो कैसा मूव करेगा उसमें मेरा व्यूज़ शेयर करता रहता हूँ डेली बेसिस पे, और कौन से स्टॉक में मैं ट्रेड कर रहा हूँ और ऑप्शन बाइंग के मैं फ्री कॉल्स भी देता हूँ। काफ़ी लोग फ्री में पैसा भी अच्छा बना रहे हैं, तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं सो दैट आपको ऐसे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक का अपडेट भी मिलता रहे। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मेरे वीडियो में सबसे अलग चीज़ देखने को और सुनने को मिलेंगी जो आपने कभी भी नहीं सुनी होंगी अभी तक। सो हैव हैप्पी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिटेबल डेज अहेड। आई विश यू मेक गुड वेल्थ।